ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 29वां अध्याय कथा सुनेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे की कथा आप सुन पाएंगे। इस चैनल पे तीर्थ त्यौहार पूजा पाठ की वीडियो देख पाएंगे, शास्त्र पुराण की बातें जान पाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए अब हम अपनी कार्तिक मास की कथा 29वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया करके मुझे यह बताने की कृपया कीजिए, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपसे इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुना देता हूँ। 400 मन्वंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंग आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृंग जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आया? मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर जी ने विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंग जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती हो और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती हो, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सब के सब इसके जल रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा को श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध से लाल बबूरा हो गई और होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। अब त्वरा को दंडवत करने कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जल रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार दिया, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जरीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंद मोवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ मानकर वहीं साक्षात पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियां के रूप में बहने लगी। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की आस्थापना की। दोनों देवताओं महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए।
राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमारी कार्तिक मास की कथा का 29वां अध्याय कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए, तीज त्यौहार पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय माता दी।